उधर आपका तालकटोरा स्टेडियम और इधर है राष्ट्रपति भवन का 30 नंबर गेट। यहाँ का पहला म्यूजियम था, यहाँ पे ये दूसरा था, इसमें भी हम घूम लिए हैं। अब चल रहे हैं थोड़ा कैफेटेरिया में। और ये देखिए MIG 21 का ये डिस्प्ले किया गया है। और इधर राइट साइड कैफेटेरिया है, जो कि मुझे बहुत जोर का भूख लगा है और सुबह से हम कुछ नहीं खाए हैं, तो थोड़ा चाय पानी कर लिया जाए। उधर पानी पीने का है। मौसम का हाल कुछ बिगड़ा हुआ है, बारिश ना हो जाए कहीं। अभी सुबह में धूप था। तो ये यहाँ का कैफेटेरिया एरिया है, कैफेटेरिया पैलेस है, जो कि आप यहाँ पे, मैंने अभी समोसा और बर्गर अभी ऑर्डर किया है। ये देखिए भीड़ आ रही है उधर साइड से। और ये अच्छी बात है, यहाँ पे जितने फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उनको यहाँ पे रखा गया है। ये देख सकते हैं इनका, तो ये जो ऑर्डर जो लिए हैं वहाँ पे, और यहाँ पे दे रहे हैं। एक बंदे का तो हाथ ही नहीं है ये इनका, लेकिन सब काम करने पे लगे हुए हैं। उधर साइड में मुझे लग रहा था नेटवर्क का प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क है। अच्छा हुआ मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर रहा था तो हो गया। वैसे मिट्टी कैफे है नाम इसका। ये है समोसा। चटनी भी है। अच्छा ये रहा। तो हमने तो बर्गर खा लिया, बर्गर और समोसा मंगाया था, ये सुबह से भूखा था। तो और ये देखिए यहाँ पे स्कूल के बच्चे आते हुए, आज संडे है तो आज बच्चे लोग को राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम घुमाया जाएगा। मैंने जो म्यूजियम के अंदर के बुकिंग का टाइमिंग लिया था वो 12:30 बजे लिया था, लेकिन अभी लगभग 11:30 हो रहा है। 10 बजे ही मेरा एंट्री हो गया था। और बुकिंग से मतलब है आपका टाइमिंग आगे पीछे चल सकता है। तो अभी 12:30 हुआ भी नहीं है, तब तक मेरा पूरा म्यूजियम देख के तब तक कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी अच्छा माहौल है अंदर का, शांति भी है। और दिल्ली में आप जानते हैं कितना ट्रैफिक होता है तो कितना बुरा हाल रहता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सुकून मिला आकर। बाकी ग्रीनरीज भी है ज़्यादा, इसलिए और भी अच्छा लगता है। तो वहाँ से निकलने के बाद अब हम जा रहे हैं अमृत उद्यान के लिए, प्रतिभा मुखर्जी पब्लिक लाइब्रेरी। तो फिर से धूप निकल गया बहुत जोरों का। ये देखिए अमृत उद्यान का यहाँ फोटो क्लिक कराने के लिए है। और जाने का रास्ता इधर से है, चलते हैं इधर ही। तो अभी हम चलते हैं अमृत उद्यान की तरफ। म्यूजियम का पार्ट कंप्लीट हो गया है तो हम चलते हैं। अमृत उद्यान का नाम पहले मुगल गार्डन था, जो कि साल में 2 बार ओपन किया जाता है, एक बार फरवरी के समय और एक बार अगस्त के समय। और अभी सीज़न 2 वाला है अगस्त के समय का। तो इसका पहले नाम मुगल गार्डन था और अब इसका नाम चेंज करके अमृत उद्यान रख दिया गया है। अभी हम जा ही रहे हैं, अंदर में काफ़ी दूर है। आज संडे है, भीड़ बहुत ज़्यादा है अमृत उद्यान के लिए। और बात यह भी है अमृत उद्यान का टिकट फ्री है, इसलिए भीड़ ज़्यादा लगता है। म्यूज़ियम का तो फिर भी 50 रुपये टिकट है, लेकिन इसका पूरा फ्री है, जिसकी वजह से भीड़ ज़्यादा रहता है। तरफ से हम आए हैं और अभी भी आगे जा रहे हैं, शायद में भी चेकिंग हो। अभी और आगे जाना है। यहाँ पे चेक पोस्ट था और यहाँ से हम अब अंदर आ गए हैं।
और यहाँ पे आप अभी भी देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन का जो बिल्डिंग है वो दिखाई दे रहा है। अभी वहाँ पे झंडा लगा है, रात के समय लाइट लग जाता है। और आप देख सकते हैं यहीं से गिनती चालू हो चुकी है। आज धूप बहुत तेज है। एंट्री तो हो गया है, आगे जाते जा रहे हैं। भीड़ भी काफी ज्यादा है आज। अमृत उद्यान में आओ तो ऐसा लगता है कि चिड़ियाघर में आ गए हो आप। बस यहाँ जानवर नहीं है, हम इंसान ही जानवर हैं यहाँ। बाकी देख सकते हैं आप, हम उधर से एंट्री किए थे और इधर साइड जा रहे हैं। वाटर फाउंटेन है, सॉरी। और हम इसके साथ एक सेल्फी लेंगे अमृत उद्यान के साथ, तो चलते हैं। बहुत धूप है जिसकी वजह से लग रहा है मुझे कैप लगाना पड़ेगा। तो आप गार्डन के अंदर नहीं जा सकते इसके पास, तो मैं गया तो वो मैं वहाँ से सीटी बजाने लग गई तो मैं निकल गया बाहर। वैसे रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा घना जंगल है इधर साइड। और बार हम आगे जा रहे हैं। ये फाउंटेन्स हो तो रात में ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए बरगद के पेड़ लगातार 4-5 हैं, इसकी वजह से छाया बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और यहाँ बहुत सारे बरगद के पेड़ हैं और ये देखिए हरियाली। यही देखने के लिए आए हैं जिसमें कि टाइम स्लॉट होता है 1 घंटे का, मतलब आपको 1 घंटे तक पूरा अमृत उद्यान के अलग अलग फ्लावर्स पेड़ पौधे आपको देखने हैं। यहाँ से निकल के फिर आपको वहाँ पे जाना है आगे। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे जो म्यूजिकल फाउंटेन था उसके पास आ गए हैं और वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके का फाउंटेन शो है। करीब से देखते हैं। रात में वैसे यहाँ म्यूज़िक भी चालू हो जाता है लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। रात में मतलब लाइट चालू हो जाता है और अभी तो लाइट जलाए कोई फ़ायदा नहीं है। अभी म्यूज़िक फाउंटेन है। इंडियन क्लासिक म्यूज़िक बजते हुए सारा कमान मशीन का है, पंपिंग का है। बैरिकेटिंग लगा है, आप इससे आगे नहीं जा सकते। ऐसा लग रहा है कि किसी के रिसेप्शन में आ गए हों शादी के और वो वाला म्यूजिक बज रहा है, शहनाई वादक जो कि बिस्मिल्ला खान द्वारा बजाया जाता है और ये भी शायद उन्हीं का ही होगा। बाकी एक बार इधर से भी देख लेते हैं। ये है राष्ट्रपति भवन म्यूजिकल गार्डन, तो करीब से देख सकते हैं। रात में ज़्यादा अच्छा लगता होगा वैसे। और फिर इधर ये शायद स्पोर्ट्स का कोई वो है, कोर्ट है खेलने का। हम चलते हैं आगे। धूप बहुत तेज़ है क्योंकि ये देखिए मैंने कहा था कोई सा कोर्ट ही होगा, टेनिस कोर्ट है खेलने का। चलते हैं बाहर। हाँ
को जाना है और ये है फाउंटेन सो, क्योंकि हम देख चुके हैं तो चलते हैं आगे। अब देखते हैं इधर साइड गया है। ये टेनिस कोर्ट है, ओनली फॉर हैंडीकैप, लेकिन सब यहीं से जाते हैं। और हम थोड़ा और नज़दीक आ गए हैं राष्ट्रपति भवन के, जो मेन बिल्डिंग है, लेकिन हम उनके बैक में हैं। और जस्ट इसके सामने में पड़ता है आपका, उधर साइड पड़ेगा आपका इंडिया गेट। कृपया फूल न तोड़े। तो यहाँ से तो बंद है, यहाँ से लोग सेल्फी ले रहे हैं, तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो हम चलते हैं आगे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। देखिए वैसे व्यू तो यहाँ का बहुत अच्छा है। तो फिर आगे बढ़ते हुए म्यूजिकल फाउंटेन का म्यूजिक यहाँ तक आ रहा है, बहुत जोर का लगाया हुआ है। और इधर से हम मुगल गार्डन की तरफ आते हुए, मतलब अमृत उद्यान। बादल तो बहुत तेज है, चलो ठीक है, कम से कम इसी बारे थोड़ा छाया हो जाए। आज का मौसम समझ नहीं आ रहा है, कभी धूप हो रहा है, कभी बादल हो रहा है, ऐसे ऐसे छाया रहता ज़्यादा अच्छा है। तो हम थोड़ा और करीब आ गए हैं अब बैक बिल्डिंग ऑफ राष्ट्रपति भवन। लेकिन ये इसको इस डिज़ाइन से बनाया गया है कि आपको चारों साइड से एक जैसा ही दिखेगा। शाम के 6 बजे जब सूरज ढल जाता है तो झंडा उतार लिया जाता है और फिर रात में लाइट लग जाता है। यह है यहाँ पे इसका फ्रंट में। तो ये हम काफ़ी करीब आ गए हैं यहाँ राष्ट्रपति भवन के। यहाँ पे काफ़ी लोग सेल्फी ले रहे हैं और उधर साइड से हम आए हैं, उधर ही था आपका फाउंटेन शो, इधर साइड फिर आ गए। बहुत ही अद्भुत कलाकारी का ये नमूना है। ये हैं बॉडीगार्ड। अब थोड़ा काला बादल आया, धूप तो निकला है लेकिन अभी सही हो जाएगा क्योंकि ये बादल बहुत ज्यादा हैं। इधर काला बादल बहुत है, थोड़ा समय और रहे फिर बस निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। बाकी जो पेड़ है उसका डिटेल है QR में, QR आप स्कैन करेंगे तो इस पेड़ पौधे के बारे में डिटेल मिलेगा। उधर वो है, तो बस यही है। ये जो महक है चमेली के फूल का है, अच्छा बनाया गया है। चाहे तो आप इसके साथ सेल्फी ले सकते हैं, लोग फोटो लेने में लगे हुए हैं।
यहाँ थोड़ा छाया है क्योंकि व्हीलचेयर भी लगाया गया है, तो जब हवा चलता है तो थोड़ा ये लाल वाला गुलाब है, ज्यादातर आप गुलाबी वाला देखेंगे लेकिन ये रेड कलर का है। इधर पिंक है, इधर भी रेड है, ये भी पिंक है, लेकिन बहुत अच्छा महक रहा है, एकदम पूरा गुलाब जैसा महक रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये तो खत्म हो गया, बाकी यहाँ पे फिर फाउंटेन है। और उधर से निकलने का है, अमृत उद्यान से निकलते हैं तो यहाँ पे फूड कोर्ट है, चाहे तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही जा चुका हूँ, यहाँ भीड़ भी ज़्यादा है, बल्कि बाहर वाला जो है वहाँ पे म्यूज़ियम के सामने जो था उसके यहाँ भीड़ कम है, आप वहाँ पे जाइए ज़्यादा आपको आसान पड़ेगा। यहाँ पे फूड कोर्ट बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, क्योंकि जितने भी अमृत उद्यान में लोग आते हैं वहाँ पर सामने उसी में चले जाते हैं, फूड कोर्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए आप कोशिश करिए कि यहाँ के जो मैसी कैफ़े है, मैसी कैफ़े में जाइए, आपको वो सही पड़ेगा। तो हम अंदर में थे, अब जा रहे हैं तो ये बाहर की साइड आ गए हैं, और ये जो फूल लगे हैं ये रात में लाइट जलने के लिए हैं, लेकिन ये सब नकली हैं, आर्टिफिशियल हैं, मतलब उधर साइड के ये सब असली हैं। ये डिस्प्ले के लिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे रात में वो लाइट जलता है तो अच्छा लगता है देखने में। बाकी ये जो है इसमें दो कलर है, पिंक और ये पर्पल कलर के, ये भी फूल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। बाकी फिर चलते हैं बाहर, ये आर्टिफिशियल आवाज़ निकाला जा रहा है पेड़ जानवरों के, ये चिड़ियों के, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो आज का हमारा ब्लॉग कंप्लीट होता है। जब भी आप अगर आइएगा राष्ट्रपति भवन में तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप 30 नंबर गेट की तरफ आते हैं तो आपको पहले लेफ्ट साइड की तरफ वाले पे जाना है, क्योंकि चेकिंग वहीं पे होता है आपके टिकट का, उसके बाद फिर आपका राइट साइड का फिर आपको जाना, क्योंकि अगर आप पहले राइट साइड की तरफ जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे चेकिंग नहीं होता, मतलब बैग का तो चेकिंग होगा लेकिन वहाँ पे आपको टिकट का चेकिंग नहीं होता, तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि पहले आपको लेफ्ट साइड की तरफ आना। अगर आप 35 नंबर गेट से आते हैं तो आपको उधर साइड आगे की तरफ पड़ेगा, तो उधर से अगर आप आते हैं तो आपके हाथ राइट हैंड की तरफ पड़ेगा, तो मैं लेफ्ट साइड की तरफ आया था जो कि 30 नंबर गेट है, और 30 नंबर गेट की तरफ आते हैं तो फिर आप लेफ्ट साइड जाइएगा। तो यही था आज का, और अगर आप अमृत उद्यान जाते हो तो इसी के जस्ट आप सीधे की तरफ जाइएगा, जब आप सीधे की तरफ जाएंगे तो आपको अमृत उद्यान का मिलेगा एंट्री, और इधर का आज कंप्लीट हो गया। बाकी जैसा पॉलिसी होता है कि गवर्नमेंट के रैंक के अकॉर्डिंग, नहीं गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो होते हैं उनके रैंक के अकॉर्डिंग उनको क्वार्टर मिलते हैं, तो वही चीज़ सेम यहाँ पे भी है, आप किसी भी पीएसयू में जाएंगे
वहाँ भी जैसे मिलता है वैसे सेम यहाँ पे भी है। यहाँ क्वार्टर कम है इसीलिए नंबरिंग दिया हुआ है। अब देखिए इसमें कौन रहता है, नीतिका गुप्ता जी रहती हैं तो उनका है ये। ऐसे ही पर्टिकुलर हर जगह सबका मिला। देखिए आगे 29 है। अब हम निकल रहे हैं बाहर। ये क्लॉक टावर है यहाँ का जो कि 1 बजने वाला है। टाइम हो रहा है और ये अंग्रेजों के ही टाइम का है। हम लोग दोबारा हम जब यहाँ पे 2012 में आए थे तो फोटो वगैरह नहीं खींचे थे, घूमे थे काफ़ी। लिंक को इसका फ़ोटो वीडियो नहीं है मेरे पास क्योंकि उस समय बल्कि इससे ज़्यादा मैं घूमा था। लेकिन बस ये था कि उस समय मैं न व्लॉगिंग करता था और नहीं उस समय पास मेरे मैं 12th से पास आउट होके निकला था तो मेरे पास छोटा मोबाइल ही था तो इसीलिए मेरे को उस समय के टाइम पर कोई फ़ोटो या वीडियो आपको नहीं मिलेगा। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल बस आ गए हैं गेट नंबर 30 की तरफ। और जो आपका गेट नंबर 30 है ये आपका RML हॉस्पिटल की तरफ है। अगर आप RML की तरफ आइए या फिर तालकटोरा स्टेडियम की तरफ आइए, दोनों वही पड़ेगा। देखिए 1:30 बज रहा है, एक्यूरेट टाइम है क्लॉक रूम का, क्लॉक टावर का। तो बस हम निकल रहे हैं। यहाँ पे शाम के 5 बजे तक वैसे ओपन रहता है, आप शाम के 5 बजे तक आ सकते हैं। ये रहा गेट। और जो अंदर कॉलोनी में जो एम्प्लॉई रहते हैं या एम्प्लॉई के जो बच्चे रहते हैं उनका एक आईडी कार्ड बनता है जिसकी वजह से उनको एंट्री मिल जाता है। बाकी अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो आपको, अगर आपके कोई रिलेटिव हैं अंदर में तो आपको विजिटर पास बनवाना पड़ता है और विजिटर पास बनवा के आप एंट्री कर सकते हैं। तो ख़त्म करते हैं आज के ब्लॉग को। आज के दिन काफ़ी अच्छा बीता मेरा, तकरीबन 4 घंटा यहाँ बीता। लेकिन आपको कुछ 4-5 मिनट के वीडियो में ही आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो चलते हैं। थैंक यू।